डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की निगेबान है ये आंखें। आंखों की एक अलग अहमियत है इस जीवन में। वो देखती हैं, वो दिखाती हैं लोगों को, वो इस संसार की खूबसूरत कितना भगवान ने उसको बनाया है। कुल मिलाकर के एक भगवान की बेहद ही सुंदर एक अद्भुत सौगात है, जिसको समय समय पर उसके अंदर विकृति आई और आंखों को धीरे धीरे कुछ नुकसान पहुंचा। लेकिन भगवान ने एक अपने ही रूप में एक डॉक्टर को विकसित किया, जिसने उन आंखों को वो जीवन दिया कि वो फिर दोबारा से उन्हें फिर वो रोशनी ला सके। रोशनी की कीमत क्या है, केवल ये वही लोग जानते हैं जो आंखों की रोशनी खो चुके हैं। आज हमारे साथ मेरठ के जाने माने प्रसिद्ध समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं एक डॉक्टर, डॉक्टर संदीप मित्तल है। संदीप मित्तल ने अपना पूरा जीवन लोगों की आंखों को नई रोशनी देने के लिए बिताया है। एक लंबे अरसे से और एक लंबे समय तक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के वह प्रधानाचार्य रह चुके हैं, आज हमारे बीच में हैं, और हम उनसे बहुत सारे उन सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे जो लोगों से आजकल रोजाना ही रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर संदीप मित्तल। नमस्कार सर, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, और आपसे मिलके और बढ़िया हो गया। तो सर, समाज सेवा से आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने करियर का कुछ ऐसा कोई अनुभव बताइए जिससे लगे कि देखिए। वैसे तो मैं समझता हूँ मैंने कभी जिंदगी में एक बार मेडिकल साइंसेज में आने के बाद आई के ऑप्थर्मोलॉजी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मैंने ऑप्थर्मोलॉजी ही प्रैक्टिस की, ऑप्थर्मोलॉजी ही पढ़ा, और सारा ध्यान मेरा ऑप्थर्मोलॉजी पे, आई पे, आँखों पर ही रहा। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज जो भी पॉसिबल हो सकती हैं अपने आंखों के मरीजों को दूं। उसके लिए मैंने जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रैक्टिस, फेलोशिप यहाँ देश में भी विदेश में भी हर प्रतिष्ठित आई केंद्र से ली, और मेरा पैशन था बस आई में बढ़िया से बढ़िया देने का। और मैंने सब कुछ जो हाईएस्ट स्किल होती है अचीव की, और उसके बाद फिर मैंने इस क्षेत्र में सर्विसेज अपनी देनी शुरू करी। पहले मैंने MS ऑप्थर्मोलॉजी, पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू नहीं हुआ था, प्रख्यात SN मेडिकल कॉलेज आगरा से की। और मुझे ध्यान है सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात के 11 बजे 12 बजे चलता ही रहता था काम, और मैं नहीं समझता हूँ कि उस पीरियड में मैंने अपने हाउस जॉब में पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई ऐसी कंडीशन आपकी रही होगी जो कि ना देखी हो, ना समझा उनको, उनको ट्रीट किया, कॉम्प्लिकेशन भी हुए, उन कॉम्प्लिकेशन को भी ठीक करना मैं महारत हासिल किया। मैंने अपने जो बेस्ट इंडिया में इंस्टीट्यूट था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, उसकी राजेंद्र प्रसाद सेंटर से की, बहुत बढ़िया सेटअप था, और बहुत कुछ लर्न किया मैंने, बड़े अच्छे अच्छे लर्नेड आई सर्जन, नेशनल इंटरनेशनल कैलिबर के, उनके साथ काम किया, सीखा, समझा, और अच्छे से आई की बीमारियों को, जटिलताओं को। फिर मैं अपने वापस प्रदेश में आ गया, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा बराबर काम करने की इच्छा थी लंबे टाइम तक या बाद तक। माई फादर, मेरे पिताजी डॉक्टर KG मित्तल था, ही वॉज माई
इंस्पिरेशन। उन्होंने कहा नहीं बेटा, वापस मेरठ ही आओ और यहाँ के लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल है दो। डॉक्टर संदीप आपकी बात करने जा रहा हूँ कि उस समय आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चुन सकते थे, जिस समय आपने आंखों को चुना, तो ये नेत्र सर्जन बनने का आपके दिमाग में कहाँ से आया, कहाँ से आपको इंप्रेशन मिली? मैं हमेशा अपने फादर की तरह, वो थे वेरी सक्सेसफुल फिजिशियन, दूर दूर से उनके पास आते थे लोग, मरीजों की भीड़ लगी रहती थी और तभी से मेरा डॉक्टर बनने का सपना भी था और पूरा भी हुआ। और मैं उन्हीं की तरह फिजिशियन बनना चाहता था और लोगों को सब बीमारियों का इलाज देना चाहता था। ही वॉज़ ए वेरी नोबल पर्सन, उन्होंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, कमाई के बारे में सोचा ही नहीं, वो तो बस सर्विस करते थे। जो मरीज दे जाता था उनकी फीस आप बिलीव नहीं करेंगे 5 रुपये थी, और वो भी जो पेशेंट नहीं दे पाता था उसको अपने पास से दवा भी देते थे, हेल्प भी करते थे। मैंने ये चीज़ सीखी और वो मेरे सिस्टम में चली गई बिल्कुल, कि नहीं सेवा करनी है इस तरह से। मैं मेडिसिन MD उठाने जा रहा था, बिल्कुल टॉपर था, कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था, पर मेरे जीवन में जो चेंज आया ऑप्थल्मोलॉजी की तरफ, ही वॉज माई प्रोफेसर एंड हेड मेडिसिन प्रोफेसर GPR, वॉज ए वेरी लर्नेड पर्सन। और उन्हें पता नहीं ऑप्थल्मोलॉजी, उनका नहीं संदीप तुम मेडिसिन नहीं, मेरी राय मानो ऑप्थल्मोलॉजी करो। आई इट इज़ ए वेरी फास्ट एडवांसिंग ब्रांच और मैं समझता हूँ तुम जितना बढ़िया इसमें कर पाओगे और जितना कुछ दे पाओगे सोसाइटी को, आई एक्सेप्टेड इमीडिएटली। ही गेव मी ए लेटर फॉर प्रोफेसर PN अवस्थी, वॉज प्रोफेसर एंड हेड आगरा मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ थर्मोलॉजी, और ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब अभी तक आप कितने लोग आप ठीक कर चुके हैं? मैं सच में कभी मैंने ये कोशिश भी नहीं कही गिनने की, मैंने बताया लाखों में होगा नंबर जिन्हें सक्सेसफुल, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, काली मोतिया का ऑपरेशन, नेत्र प्रत्यारोपण। यहाँ पर मेरठ में क्या पूरे प्रदेश में जब मैंने ये आई बैंक शुरू किया मेरठ कॉलेज, मेरठ मेडिकल कॉलेज में, तो कोई नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधाएं नहीं थी। पहला नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज में अकेले सचपा, उस टाइम गवर्नमेंट ने की भी हेल्प नहीं मिली। इसी वजह से आपने जो अपनी नई पीढ़ी उसको भी इसी लाइन में, यस आई वॉन्टेड कि वो बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज दें। और हमेशा मैंने उन्हें ट्रेन किया कि नेवर गो फॉर मनी फॉर फाइनेंसेस, अगर बढ़िया काम करोगे बढ़िया सर्विसेज दोगे तो ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो तुम इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, इतना रहेगा कभी किसी स्टेज पे, पर बढ़िया मन लगा के। डॉक्टर कोपल जो आपकी बेटी हैं वो भी इसी तरह इस फील्ड में काम कर रही हैं। आई एम ए वेरी लकी फादर, मैं बहुत ही, मैं समझता हूँ अपने को बहुत लकी मानता हूँ इस बारे में। मेरी तीनों बेटियाँ आई सर्जन हैं, बड़ी बेटी मेरे बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही आई की, बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर कोपल से बड़ी जो है वो ओपलोप्लास्टिक सर्जन है, उसका हस्बैंड पेकोरिफ्रैक्टिव सर्जन है, वो लोग इंग्लैंड में हैं और बहुत बढ़िया बड़ी प्रीमियम सर्जरी कर रहे हैं बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में। कोपल मैं उसके बारे में वर्ड्स में नहीं कह सकता, चीज सुपर, बहुत शुरू से ही वो बहुत पढ़ाई में, शी वॉन गोल्ड मेडल इन एवरी सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट होते थे मेडिकल उसमें MBBS में, 10ों में गोल्ड मेडल लिया उसने। फिर MS गुजरात से किया, गुजरात यूनिवर्सिटी थे, मैं समझता हूँ पहली वो नॉन गुजराती होगी जिसको गोल्ड मेडल मिला MS में, गुजरात मेडिकल कॉलेज से। वो लोग भी थोड़े से वो होते हैं कि नहीं भाई गुजराती को पहली प्रेफरेंस मिलती है। फिर वो देश के बड़े प्रख्यात बड़े ही बढ़िया इंस्टीट्यूट LV प्रसाद हैदराबाद में जो है रेटिना इंस्टीट्यूट, वहाँ से उसने पूरी फेलोशिप ली और वहीं पर उसको डॉक्टर राव बहुत बड़ी हस्ती हैं आई में रेटिना में, LV प्रसाद के डायरेक्टर ने उन्होंने वहीं रोक लिया उसको और फैकल्टी में ले लिया। लकीली मेरठ में शादी हुई उसकी और शी ज्वाइंट। तो मैं बहुत लकी हूँ कि एंटीरियर सेगमेंट कैटरेक्ट ग्लॉकोमा स्क्विंट वगैरह मैं देखता हूँ और रेटिना में बहुत बढ़िया काम कर रही है वो,
I feel proud of her. I feel as a very proud father. डॉक्टर अपनी आंखों को दान करें, नेत्र दान करें, इसके लिए भी क्या आप कोई विशेष अभियान चला रहे हैं, कुछ सोचा है? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा नेत्रदान। इसी के तहत मैंने मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना करी और मैं उसका फाउंडर सेक्रेटरी, अभी भी मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। और बराबर नेत्रदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने में, जागृत करने में, अवेयर करने में लगा रहता हूँ। और मेरी पूरी एक फ्रेंड्स की वो है, ग्रुप है, जो कि इसमें लगा रहता है। क्योंकि पहले मुझे याद है ऐसा भी स्टेज था जब हमने आई बैंक शुरू किया कि किसी की आई कलेक्ट करने गए, तो मौका ही ऐसा होता है, बड़ा दुख का मौका होता है कि हम लोगों को लिटरली ये कहते हैं भाई कैसी बात करते हैं आप ऐसे मौके पे, एंड वी वर रियली दरवाजा जैसे कहते हैं दिखा दिया गया। पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करी धीरे धीरे और हमें बड़ी सक्सेस भी मिली इसमें। काफ़ी अब लोग बाग हमारे साथ जुड़ गए हैं नेत्रदान में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेत्र प्रत्यारोपण कर रहे हैं और बड़ी हाई सक्सेस रेट के साथ और बड़े ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ। डॉक्टर साहब एक और सवाल जानना चाहूँगा कि आजकल बहुत छोटी उम्र में ही लोगों की आँखें, यानी कि बच्चों की ही आँखें, कुछ उनमें त्रुटियाँ शुरू हो गई है और उनको चश्मे का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है? पहले मैं समझता हूँ, जैसा मैंने अपने लंबे 4-5 डिकेड्स के उसमें देखा कि ये जो मायोपिया की दूरदृष्टि वाली बीमारी थी, ये कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी थी कि अगर पेरेंट्स में माताजी पिताजी या दोनों ही मायोपिक हैं तो बच्चों में मायोपिया ज़्यादा होता था। डॉक्टर साहब एक नई टेक्नोलॉजी आई है लेजिक, ये क्या है? लेसिक से जब नंबर स्टेबल हो जाता है 19 साल की उम्र में लड़कियों में और 21 साल की उम्र में, जब ग्रोथ बढ़ना बंद हो जाता है 21 साल की लड़कों में, तो हम भी चश्मा जो है उतार सकते हैं। इसमें हम जो कॉर्निया, सबसे बाहर की जो लेयर होती है आँख की, उसकी मोल्डिंग, उसको रीशेप कर देते हैं, थोड़ा सा फ्लैटन कर देते हैं, तो आई की ओवरऑल लेंथ जो है कम हो जाती है और नंबर ख़त्म हो जाता है। अच्छी टेक्निक है, पर इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आँख की बहुत अच्छी तरह से जांच कर ली जाए, अगर पुतली की मोटाई सही है, कोई बीमारियां नहीं है रेटिनल या और तरह की, और तब इसे ठीक से करा जाए तो इट इज़ सेफ एंड गिव 100% रिजल्ट, बिल्कुल एकदम जीरो पावर हो जाती है और वो रहती है जीरो पावर तक। 40 साल में तो सभी को प्लस का नंबर लगाना पड़ता है, सबको जरूरत, पर दूर के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे बच्चों को। तो इट इज़ अ सेफ टेक्निक, पर पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सही हाँ यस, मेरे पास नंबर 1 वर्ल्ड की लेजिक मशीन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और बड़े सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, बड़े सेटिस्फाइंग रिजल्ट हैं इसके ना। क्योंकि सच बात है, ये बड़ा कॉमन है कि डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगाना, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी कुछ सर्विसेज भी ऐसी हैं जिनमें कि चश्मा नहीं अलाउ करते हैं, उसमें भी हम बच्चों को करियर में हेल्प करते हैं कि नहीं भाई हम आपको बिल्कुल जीरो स्टेटस दे रहे हैं चश्मे के, एंड यू कैन जॉइन वॉट एवर सर्विसेज यू लाइक। डॉक्टर संदीप, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा पैशन ये है कि अब इस स्टेज पे पहुंच के मैं रिटायरमेंट प्रोफेसरशिप से, प्रिंसिपलशिप से, सबने कहा नहीं भाई अब संदीप बिल्कुल जो है लेजरली लाइफ लिव करो, नो आई कैन नॉट लिव विदाउट डूइंग ऑप्थल्मोलॉजी। मैंने थोड़े दिन कोशिश भी की पर मैंने महसूस किया कि मैं ऑप्थल्मोलॉजी करे बिना तो रह ही नहीं सकता, मुझे आई की सर्विसेज तो देनी ही देनी है और सर्विसेज देनी है, इसलिए ना कि कुछ अर्न करना है, इससे कुछ करना है। और जो ब्लाइंडनेस है उसको बड़ी बढ़िया तरीके से, बड़ी मेहनत से, बड़ी स्किल से कम करना है और बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज इस एरिया को, आसपास के दूर दूर से लोग आते हैं, एंड आई गिव माय बेस्ट। मेरे पहले ताज्जुब होता था कि भाई दिल्ली से मेरे पास क्यों आते हैं, दिल्ली इतनी बड़ी इक्विप्ड जगह है, डॉक्टर साहब
बिल्कुल योर पर्सनल अटेंशन, और बस एक बार में ठीक होके चले जाते हैं, हमें दोबारा नहीं आना पड़ता आपके पास। तो बस इस प्लेजर के लिए करता हूँ मैं। आई डू ऑप्थल्मोलॉजी फॉर माई ओन एंटरटेनमेंट, फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, एंड बस ये चाहता हूँ कि मैं आखिरी टाइम तक जो बेस्ट सर्विसेज आई में हैं लोगों को देता रहूँ। डॉक्टर संदीप, आप इसी तरह से समाज सेवा में लगे रहें, इसी आशा के साथ मैं आपसे नमस्कार। वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।